खबर सामने आई है जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर से, जहां प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर यहां छात्रा पर जानलेवा हमला करने के आरोपी फरदीन के मोहल्ला खालसा स्थित घर पर बुलडोजर चलाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। आपको बताते चलें कि 3 दिन पहले मोहल्ला खालसा के रहने वाले फरदीन के बेटे रिजवान ने कोचिंग सेंटर जा रही मोहल्ले की एक छात्रा पर एक तरफा प्रेम में असफल रहने पर पाटल से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथी सहित आधा दर्जन से अधिक के खिलाफ केस दर्ज कर मात्र 8 घंटे के भीतर आरोपी फरदीन और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मुख्य आरोपी के भाई को भी पुलिस ने दबोच लिया। कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए पुलिस प्रशासन आज दोपहर मुख्य आरोपी फरदीन के घर पहुंची और उसके मकान की नापजोख करने के बाद बुलडोजर चला दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त था और उन्होंने आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की थी। आइए आपको इस वारदात की दिखाते हैं एक छोटी सी झलक। वहीं जन भावनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस मामले के तुरंत एक के बाद एक एक्शन लिया। इसी क्रम में आज बुलडोजर की एक कार्यवाही अमल में लाई गई। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार पंकज चंदोला, कोतवाल मनोज रतूड़ी, नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त यशवीर राठी, कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत में काशीपुर कोतवाली प्रभारी मनोज रातुड़ी ने क्या कुछ कहा। क्या हुआ है, क्या मामला है? ये एक नगर निगम की प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की सामान्य प्रक्रिया है। कुछ अनियमितता यहाँ पाई गई, तो इसमें नगर निगम और प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन की मदद से शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप जो है लिखा गया था, उसको जेल भेजा गया था। 2 दिन पहले इसी परिवार का लड़का एक बच्ची को उसने अटैक किया था, जानलेवा वापस उसने बार किया था, जिससे उस बच्ची की जान खतरे में आ गई थी। वो लोग भी जेल जा चुके हैं और इसमें भी 2-3 लोग फरार चल रहे हैं। उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा NW की और भैया सिद्धराशी की कार्रवाई चल रही है। संभवतः 2-3 दिन में इस घर को हम भैया सिद्धराशी करके खुद की वकील। कितने लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया था? 5 लोग नामजद हैं, 6 लोग नामजद हैं, जिसमें से 3 लोगों की अरेस्टिंग होगी और 3 लोग ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।